ये बात शहर का व्यू है साइड से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बात की वीडियो। अगर आप लंदन से बात के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। ट्रेन की, जो कि पैडिंगटन ट्रेन स्टेशन से हर आधे घंटे के बाद आपको ट्रेन मिलेगी और तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में आपको बात पहुँचा देगी। और कोच, विक्टोरिया कोच स्टेशन से आपको कोच मिलेगी और गाड़ी से आपको तकरीबन 2.5 घंटे में, आप गाड़ी से अगर ट्रैफिक नहीं आपको मिलती तो 2.5 घंटे में गाड़ी से आप बात चले जाओगे। तो आई थिंक कोच का भी सेम गाड़ी वाला टाइम ही होगा। ये अभी मैं इसकी मेन हाई स्ट्रीट के ऊपर हूँ तो ये सारे ब्रांड्स आपको इधर नज़र आएंगे। कस्टा, नेक्स्ट, क्रिस्पी डोनट्स, के स्ट्रीट की एंट्रेंस के ऊपर ये देखें, उन्होंने छोटे छोटे प्लांट लगा के बटरफ्लाई की शक्ल बनाई हुई है तो लोग इसके दरमियान में खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखें, इन्होंने टेलीफोन बूथ का कितना प्यारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि टेलीफोन बूथ तो यूज़ नहीं होता तो इसके अंदर इन्होंने प्लांट लगा के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ये देखें प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाए हुए हैं इसके अंदर। बात आएँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते, वो आप ज़रूर इंजॉय करें बात आके। सबसे पहली चीज़ जो है वो रोमन स्टाइल स्पा है यहाँ का, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ऑप्शंस आपके पास हैं, डिफरेंट रेट्स में आप बुक कर सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज़ें देखने वाली हैं उनमें रोमन बाथ है, बाथ एबे है, रॉयल क्रेजेंट है, थेम्स बाथ स्पा है, फैशन म्यूज़ियम है, स्टोन सर्कल है जो कि बाथ मेन टाउन से थोड़े ही डिस्टेंस के ऊपर है, और हॉट एयर बलून ट्रिप है। ये आप ले सकते हैं। स्पेशली हॉट एयर बलून ट्रिप से आपको ये है कि हाइट पे जाके व्यू बहुत प्यारा मिलेगा। ये होप ऑन होप ऑफ बस भी आपको 1 घंटे का टूर है, ये पूरा आपको बात 1 घंटे में घुमा देते हैं तो आप ये बस भी ले सकते हैं। ये परेड गार्डन है बात का।
But is this all vegetable mix or is potato or? Yeah, so it's potato, vegetables, and you can get chicken on top of it or steak. All right, thank you. And this is chicken? That's the chicken, yeah. की पैटीज बहुत मज़े की हैं, मस्ट ट्राई करें। हाई स्ट्रीट के ऊपर ही ये शॉप है। ये इसके थोड़ी हिडन प्लेसेस हैं, आप थोड़ा अंदर जाके आपको ये वाली शॉप्स और यहाँ पे ज़्यादातर बार्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोग बैठ के थोड़ा ब्रेक लेते हैं और खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो बात जो है कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा है, 1 लाख तकरीबन 15-20 हज़ार आबादी है इस शहर की और बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा सा शहर है ये। This city become World Heritage Site in 1987 and later on World Heritage Site known as Great Spa Town of Europe 2021. बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, कवर्ड मार्केट है जिसमें आपको हर तरह की शॉप्स मिलेंगी। Thank you.
This city built by Romans and Bath Abbey was founded in 7th century and became a religious center. The building was rebuilt in 12th and 16th century. ये जो सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये 1774 में बना था और लेटर ऑन फ्लड की वजह से ये डैमेज हो गया था तो इसको रीबिल्ड किया गया है। तो उस वक़्त जब ये ब्रिज बनाया गया था 1774 में तो इसके ऊपर कॉस्ट आई थी 11,000 pounds 11,000 pounds। और ये ब्रिज जो है ये रिवर अवान के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जब आएँ तो यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है। ये बहुत ही प्यारी और सुकून वाली जगह है। यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठें, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। पानी का जो साउंड है वो आपके कानों को बहुत ज़्यादा भला लगता है। तो बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे ज़रूर आएँ, बैठें थोड़ी देर और पानी के फ्लो को इन्जॉय करें और साउंड को भी इन्जॉय करें। पूरा दिन वीडियो बना बना के तो अभी काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई है और खाने को भूख भी काफ़ी लगी है। तो ये अभी हमें यहाँ पे एक मोरक्कन फूड का रेस्टोरेंट मिला है, ये वाला। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं खाना कैसा है। यहाँ पे हलाल की कोई ऑप्शन नहीं है, वेजी की ऑप्शन है, वेजी आपको बहुत मिलेंगे। ये खाना इनका आ गया है, खाना कोई इतना ख़ास नहीं है, बहुत फीका है। प्रॉन भी हैं, वो भी बहुत फीके हैं, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है तो इसी को एंजॉय करके खाना होगा। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कार्डिफ की नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।